नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में 4 मार्क्स का आया हुआ है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो, हमें क्या दिया हुआ है, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर ऐसा है, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर मिस हो गया, और हमें क्या लाना है cosec थीटा प्लस 1 अपॉन cosec थीटा माइनस 1। अब आपको पता होना चाहिए भाई cosec थीटा कब आता है, जब 1 अपॉन sin थीटा हो, और तो कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है, अंडर रूट देखो स्क्वायर वाला नहीं है, वहां पे मैंने ये आइडेंटिटी क्यों नहीं लगाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि हमें स्क्वायर मिल चाहिए। अब ये चाहिए sin थीटा, मतलब हमें अपॉन में sin थीटा लाना है। अब sin थीटा कब आएगा, देखो आपको पता ही होगा कि भाई sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, और tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब किसी ना तरीके से इसको खोल के करना है। तो देखो यहां से क्या होगा, इसको खोल देते हैं स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस यहां से क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। sec स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू देखो sec थीटा को अगेन क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन cos थीटा, और यहां से क्या लिख सकता हूं इंटू tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और अपॉन में देखो यहां से भी कोस स्क्वायर, यहां से भी कोस स्क्वायर, और यहां से भी कोस स्क्वायर, तो पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये चीज समझ में आई कि नहीं भाई, एलसीएम ले लिया डायरेक्ट, ठीक है। अब फिर देखो ध्यान से इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूं मैं 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, मैं क्यों लिख रहा हूं अभी पता चल जाए आपको, प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा अपॉन में क्या है ध्यान से देखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो पूरा दिमाग आपका यूज करवा रहा है क्या, मैं इसको मैंने एक्स माना या ए मान लो, चलो हटाओ इसे ज्यादा अच्छे समझ में आए, इसको ए तो ये भी ए, इसको मैंने माना बी तो ये भी बी, तो यहां से क्या जाएगा ये फिर ए और ये बी, तो क्या फार्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है देखो ध्यान से, तो यहां से क्या जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या चाहिए कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो ना समझ में आएंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज की है। अब देखो ध्यान से क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें लाना क्या है देखो ध्यान से, हमें कोसेक लाना है, मैंने बताया था कोसेक कब आएगा जब अपॉन में साइन आएगा, तो यहां से मतलब कोस को हटाना है, सीधी सी बात है तभी तो कोसेक आएगा। तो अब ध्यान से देखो इस कोसेक को मैं ये लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इस कोसेक की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, आ गया समझ में। अब फिर फर्दर देखो इसको मैंने ये कर दिया, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं फिर से क्या लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा इंटू इसी को मैं फिर से ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा। भाई यहां तक देखो एक्स और एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर हो गया ना, मैंने अलग अलग कर दिया, क्यों किया अभी बताता हूं। देखो यहां पर ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दूं तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस साइन थीटा, और यहां से क्या देगा 1 माइनस साइन थीटा, स्टेप बाय स्टेप क्लियर है सारे। देखो अब ध्यान से देखो इससे ये कट गया, बिल्कुल कट गया सर, क्योंकि मल्टीप्लाई में अब क्या बचा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब अगेन फर्दर साइन थीटा को इस फार्मूले से मैं ये लिख सकता हूं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, एक ही बात है। तो क्या करना है साइन की जगह क्या लिखना है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और इधर से क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो एलसीएम ले लिया, अब देखो फिर से क्या कर रहा हूं एलसीएम ले रहा हूं, देखो ध्यान से
मेरे ख्याल से सारे स्टेप क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ से कोसेक ये देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन, तो एलसीएम लगा दो, ये इधर और ये इधर, फिर ये इधर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा देखो, कोसेक थीटा प्लस वन अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा अपॉन में क्या आएगा सेम नीचे वाले के लिए भी देखो ध्यान से, कोसेक थीटा माइनस वन अपॉन कोसेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो इस कोसेक से ये कोसेक कट गया, आ गया हमारा क्या आएगा कोसेक थीटा प्लस वन अपॉन कोसेक थीटा माइनस वन, यही हमें प्रूफ करना था। अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करो तो आपसे मिस्टेक हो ही नहीं सकती, अगर आपके फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। देखो मैंने किया ना, आप कहोगे कि सर आप सर हो, बिल्कुल हम टीचर हैं हमें भी आता है, लेकिन हमें स्टेप पता रहता है, आप स्टूडेंट हो आप स्टेप गड़बड़ करते हो, आप रटने की कोशिश करते हो, रटो मत, समझो कि मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो थिंकिंग एबिलिटी एक दिन में डेवलप नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे करोगे तो एक दिन जरूर होगी, याद रखना, उस एक दिन के लिए आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। ये आप जितना लेट मेहनत स्टार्ट करोगे उतनी ही लेट आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी। आप अभी से ही धीरे धीरे सोच समझ के एक एक क्वेश्चन करो, धीरे धीरे दो चार छः महीने में आपको खुद ही लगेगा यार मेरे को अंदर मेरे में चेंज आ रहा है, मैं सोच पा रहा हूँ क्वेश्चन को। वही आप क्वेश्चन को अक्टूबर नवंबर में करोगे तो आपके अंदर प्रेशर रहेगा, क्यों, क्योंकि आप डरे हुए रहोगे, आपको लगेगा अरे दो महीने बाद बोर्ड है, तीन महीने बाद बोर्ड है, आप कर ही नहीं सकते अच्छे से, अपना 100% दे नहीं सकते। अभी आपके पास क्या है, पूरा समय है, आराम से तसल्ली से सोचिए कर सकते हो, तो अभी से ही प्रैक्टिस करो, लेट मत करो यार, जुलाई चल रहा है, जितना लेट करोगे उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। अभी से ही प्रैक्टिस करो, भले आधे एक एक घंटे करो, लेकिन सोच समझ के करो, एक एक चीज़ समझ के करो। ये नहीं कि सर अगस्त से स्टार्ट करेंगे, बहुत समय है कर लेंगे, वही दिक्कत है, कर तो लोगे लेकिन आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करने के लिए अभी से ही आपको सोचना पड़ेगा। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, अगला करते हैं।